हाय फ्रेंड्स, मुकुंदन कुमार हमारे चैनल के के नेटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फिर से मैं न्यू एंड शानदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देख लिया फ्रेंड्स कि आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिया पेमेंट बैंक की जो APR सर्विस है। तो आदिया पेमेंट की यूजर के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आदिया पेमेंट बैंक बैक हो चुका है, क्योंकि आदिया पेमेंट बैंक जो प्ले स्टोर से डिलीट हुआ था वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है और साथ ही में एक बिग अपडेट को भी लेकर के आई हुई है। APS सेटलमेंट मनी ट्रांसफर जो भी प्रॉब्लम थी सारे प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो चुका है। तो क्या प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट है, कैसे इस एप्लीकेशन में वर्क रही है, वो सारा चीज हम आपको इस वीडियो में अपडेट्स के बारे में आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप आदिया के पुराने यूजर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप वीडियो को अंत तक देख करके जो भी बैलेंस है आप उससे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन घंटे को ऑन कर देना फ्रेंड्स, ताकि के नोटिस की आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पे चले जाना है फ्रेंड्स। प्ले स्टोर पे जाकर के आदिया पेमेंट आप लोग को सर्च करना है। तो आदिया पेमेंट बैंक सर्च करने के बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप पहले से डाउनलोड करके रखा होंगे तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन रहेगा, अगर आपने डिलीट कर दिया होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर देना है। तो इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को सबसे पहले आप लोग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा और ये इंटरफेस मिलने के बाद आप यहाँ पर APS सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं सारे चीज़ों का। सबसे पहले तो आपकी इसकी अगर आप APS यूज करना चाहते हैं तो APS की ड्राइवर जो होती है वो आपको इंस्टॉल करना है। देख सकते हैं हमारा APS ड्राइवर इंस्टॉल है। तो अगर आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो APS जैसे APS पे क्लिक करेंगे तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। तो फटाफट से आपको APS का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। तो जैसे APS का ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आप आसानी से इसकी APS यूज कर पाएंगे। उसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं UPI QR कोड देख सकते हैं हमारा यहां आ चुका है, तो आप इसकी QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बाकी सारी सर्विसेज आप DMT भी वगैरह भी सारा चीज कर सकते हैं। और सेटलमेंट तो बहुत ही आसान तरीका, आप सेटलमेंट भी यहां से कर सकते हैं। सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। APS बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं वॉलेट टू वॉलेट, वॉलेट टू बैंक आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी बैंक आप ऐड करेंगे वो बैंक आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू बैंक आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद अमाउंट डाल के OTP डाल के IMPS NFT जो भी आपको करना है गेट OTP पे क्लिक करके आपको अपना OTP लेकर के आपको सबमिट कर देना है। आपका सेटलमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और मनी ट्रांसफर भी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। DMT भी आप कर सकते हैं, DMT भी करेंगे वो इंस्टेंट की इंस्टेंट आपका DMT भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो सारा चीज़ प्रॉपरली इस कंपनी में वर्क स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। कुछ टेक्निकल एरर के वजह से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डिलीट हो गई थी और कुछ सर्विसेज में इशू आ रही थी, तो वो सारे चीज री सॉर्ट आउट हो चुका है। आप बहुत ही आसानी से इसमें आप फिर से वर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आपको आएगी और जो भी आपका बैलेंस है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप न्यू यूजर एज ए जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, KKRNTS की कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, KKRNTS से कॉन्टैक्ट करके बहुत ही आसानी से कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू हमारे टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको आदिया पेमेंट बैंक की ये बैक वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, मिलते हैं KKRNTS के नेक्स्ट वीडियो में।